देखिए, कल कल मैंने एक टॉपिक बनाया था, कल वीडियो एक बनाया था, ठीक है। उस वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, अपने चैनल से रिलेटेड नहीं, एक मोटिवेशनल मैंने टिप्स दिया हुआ था। क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे क्या हो रहे हैं, अपने गोल से रिलेटेड वीडियो को नहीं देख रहे हैं, दूसरा वीडियो देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो को लोग कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। देखिए, आज के जो मेरा टॉपिक है वो है HTML ID एट्रीब्यूट। अब देखिए, HTML ID एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ID एट्रीब्यूट के बारे में हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है राजकुमार और मैं एक वेब डेवलपर हूँ, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाता हूँ। HTML के सीरीज में मैं आज HTML ID एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। HTML ID एट्रीब्यूट। द HTML ID एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई ए यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। देखिए, जो HTML ID एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, HTML एलिमेंट में ID को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ID एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले उसके बाद देखेंगे, पहले मैंने कुछ मेंशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। द ID एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। देखिए, जो ID एट्रीब्यूट होता है वो एक यूनिक ID स्पेसिफाइड करता है फॉर HTML एलिमेंट। यानी कि HTML एलिमेंट के लिए जो ID एट्रीब्यूट होता है वो यूनिक एक ID क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है। द वैल्यू ऑफ द ID एट्रीब्यूट मोस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि जो ID एट्रीब्यूट होता है वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक यूनिक क्या करता है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट को देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कोड में ध्यान से देखिएगा कि ID के लिए मैंने क्या किया है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस कोड को सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिटर में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कोड अपने एडिटर में मैंने पेस्ट कर लिया है और इस कोड को हम लोग समझते हैं कि ID के लिए इसमें हम लोग क्या यूज किया है। देखिए, सिंपली मैं आपको बता दूं कि अगर आप ID यूज कर रहे हैं तो ID को सिंपल हम लोग हैश से डिफाइन करते हैं। हैश समझ रहे हैं ना, देखिए यही हैश है। इससे हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट में ID को हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए, हम लोग अभी बताए थे कि HTML डॉक्यूमेंट के लिए ID एक यूनिक ID क्या करता है, देता है HTML डॉक्यूमेंट को, HTML एलिमेंट को। देखिए कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे इतना स्टाइल लगाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर ब्लैक, फेडिंग 40px, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर लिखा हुआ है। देखिए, इसमें आपको ID कहीं पे दिख रहा होगा, मैंने H1 टैग में ID दिया हुआ है, ID इक्वल टू माई हेडर, माई हेडर, ठीक है। अब माई हेडर में मैं कलर देना चाहता हूँ, कलर को ब्लैक करना चाहता हूँ, इसमें पैडिंग देना चाहता हूँ, इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। तो इस पूरे एक चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक यूनिक ID बनाते हैं, जिसमें हम लोग इस यूनिक ID में हम लोग उसको इसके अलाइन को हम लोग सेंटर में कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को हम जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो है ना, ये HTML डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, बहुत ही मददगार होता है। एक HTML एलिमेंट के लिए एक यूनिक ID ये देता है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप लोग इसमें बहुत सारा फैसिलिटी दे सकते हैं। जैसे मैंने स्टाइल के अंदर, देखिए यहाँ पे ID को यूज करने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। देखिए, ID मैंने ID के नाम क्या दिया हुआ है, माई हेडर। तो माई हेडर लिखने के पहले आप लोग को हैश सिंबल देना है। अगर ID यूज कर रहे हैं तो हैश देना है, और क्लास के जो नाम दिए हैं तो क्लास के नाम के पहले आपको डॉट का यूज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट में, स्टाइल टैग में, ठीक है। तो देखिए, हैश माई हेडर में मैंने बैकग्राउंड कलर, जो भी H1 टैग में मैं फैसिलिटी देना चाहता हूँ वो मैंने दिया है, और भी आप लोग देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं। इस कोड को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, और इस कोड को अच्छे से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और मैं आपको ही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नोटबुक भी बनाते चलिए,
क्योंकि मैं रेगुलर आप लोग को लाइन बाय लाइन कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। इससे आधारित आप लोग 10 क्वेश्चन और तैयार करें, उस पर आप लोग फोकस करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है एंड रन पे क्लिक करके लॉन्च इन क्रोम कर देना है। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया, माई हेडर दिख रहा है। माई हेडर आप लोग को दिख क्या रहा है, दिख रहा है कितना इफेक्टिव दिख रहा है। तो ये है आईडी का कमाल। अब चलिए आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है नोट में। द आई डी नेम इज केस सेंसेटिव। देखिए जो आई डी का जो नाम होता है वो केस सेंसेटिव होता है। मतलब आई डी यानी कि आई ए स्मॉल डी आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। कैपिटल लिखेंगे तो ये क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। द आई डी नेम इज केस सेंसेटिव क्या होता है, सॉरी आई डी जो होता है वो केस सेंसेटिव होता है। इसको कैपिटल में भी आप लोग यूज कर सकते हैं और स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं। तो आई डी नेम इज केस सेंसेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, मैं अभी आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली। मैं आपको आउटपुट के साथ मैं दिखा दे रहा हूँ केस सेंसेटिव कैसे है। जैसे आई यहाँ पे, अब चलिए इस आई को मैं कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा ये वर्क करता है कि नहीं। सिंपल मैंने इसको सेव किया, रन पे क्लिक करके लॉन्च इन क्रोम कर लिया। ये देखिए रन कर रहा है। इसलिए आईडी क्या है, केस सेंसेटिव है। आप इसको छोटा बड़ा जो भी यूज करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। अब देखिए हम लोग अभी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोग क्लास के बारे में पढ़े हैं, अब आईडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जाना, देखिए क्लास भी सेम ही यूज करते हैं। एचटीएमएल में ही हम लोग क्लास का नाम देके उसको स्टाइल एलिमेंट में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाइज करते हैं, और आईडी को भी सेम करते हैं। लेकिन ये बात आती है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए एक क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट। देखिए एक क्लास का जो नाम होता है उसको आप लोग एचटीएमएल एलिमेंट में मल्टीपल यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूज के लिए हम लोग क्लास के यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल समझिए। वाइल एन आई डी नेम मस्ट ओनली बी यूज वन एचटीएमएल एलिमेंट। लेकिन जो आई डी का जो नाम होता है वो ओनली वन एचटीएमएल एलिमेंट के साथ ही आप लोग यूज कर सकते हैं वेब पेज में। कहाँ पे, वेब पेज में, यानी कि एचटीएमएल एलिमेंट के साथ आई डी जो होता है वो आई डी नेम को ओनली वन एचटीएमएल एलिमेंट के साथ यूज करते हैं। लेकिन जो क्लास नेम होता है वो मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस कोड को सिंपल मैं कॉपी करता हूँ। देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ था उस एग्जाम्पल को सिंपल मैंने कॉपी किया एंड अपने एडिटर में मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग समझते हैं कि इस कोड में हम लोग कहाँ जो क्लास के यूज किए हैं उसको मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के साथ यूज किए हैं, और आईडी का हम लोग कहाँ एचटीएमएल वन एलिमेंट के साथ यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्टाइल द एलिमेंट विद द आईडी, आईडी के साथ माई हेडर, जहाँ पे हैश दिख जाएगा स्टाइल में वो समझ लीजिए कि आईडी का यूज हुआ है, सिंपल। और क्लास में सिंपल क्या होता है, डॉट का यूज होता है। किसका यूज होता है, डॉट के साथ जो क्लास नेम एचटीएमएल में यूज किया है एचटीएमएल एलिमेंट के साथ उसको डॉट से हम लोग स्टाइल टैग में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बताया कि जो आईडी के यूज हम लोग करते हैं उसमें हैश डिफाइन करते हैं स्टाइल में। आपको कहीं पे भी हैश दिख जाएगा तो उसके लिए समझिए कि मैंने आईडी का यूज किया है एचटीएमएल एलिमेंट में। लेकिन क्लास का जो नेम दिया है अगर स्टाइल में आपको डॉट दिख जाता है और क्लास का नाम दिख जाता है तो समझिए कि क्लास का यूज हुआ है एचटीएमएल एलिमेंट पे। अब हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने डिफरेंस बिटवीन जो बताया था क्लास एंड आईडी उस टॉपिक पे मैं आता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एच टू टैग एंड ए टैग है। देखिए यहाँ पे एच वन टैग में मैंने आईडी का यूज किया हुआ है माई हेडर, यहाँ पे आई डी का यूज किया है माई हेडर, जो कि ओनली वन एच टी एम एल एलिमेंट के लिए है। ध्यान से देखिएगा,
बट मल्टीपल एलिमेंट्स विद नेम सेम क्लास, जो सेम क्लास होता है ना, सेम क्लास, उस क्लास का यूज हम लोग मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के साथ किए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे H2 क्लास में सिटी नेम सेम क्लास है, H2 क्लास में सिटी नेम सेम क्लास है, H2 क्लास में सिटी, लेकिन आप लोग यहाँ पे माई हेडर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि ID एट्रीब्यूट का यूज ओनली वन HTML एलिमेंट के साथ होता है, और जो क्लास का जो यूज हम लोग करते हैं वो मल्टीपल HTML एलिमेंट के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जो भी कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैंने कॉपी किया था और इसको अपने एडिटर में पेस्ट किया है। अब इसको सिंपल मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करने के बाद आपको रन में जाना है, रन पे क्लिक करने के बाद लॉन्च इन क्रोम कर लेना है। देखिए ये मेरा आउटपुट है, दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID, ये मेरा जो मैंने ID के यूज किया था उसका है ये पार्ट, और जो मैंने क्लास का यूज किया था जैसे लंदन में मैंने माई सिटी जो भी मैंने लिखा था, सिटी का नाम क्लास का नाम सिटी दिया हुआ था, देखिए लंदन पेरिस टोक्यो, दिख रहे हैं। तो ये सिंपल आप लोग ये यूज कीजिएगा कि जो क्लास के यूज करते हैं वो मल्टीपल HTML एलिमेंट के लिए करते हैं, और ID का यूज हम ओनली वन HTML एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब देखिए मेरा जो HTML का इस वीडियो का जो मेरा मेन जो अभी कंसेप्ट आ रहा है वो कंसेप्ट है HTML बुकमार्क्स विद ID एंड लिंक्स। देखिए HTML बुकमार्क्स में ID के साथ लिंक्स लगाकर हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन कुछ समझ लेते हैं। HTML बुकमार्क्स आर यूज टू अलाउ रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज, यानी कि HTML बुक्स का यूज हम लोग करते हैं रीडर्स किसके लिए, रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए वेब पेज। अगर आप रीडर जो रीडर है रीडर रीड करने वाला होता है, अगर वो जंप करना चाहता है, जैसे मान के चलिए इस पे क्लिक किया, उसको जाना है मतलब 10 नंबर लाइन पे, तो उसमें 10 नंबर लाइन पे क्लिक किया वहाँ पे आ गया, तो एक लिंक बनाना पड़ेगा ना जी कि उस लिंक पे क्लिक करें तो 10 नंबर लाइन पे चला आया। तो फैसिलिटी देता है कौन, बुकमार्क्स, और बुकमार्क्स में सबसे इजीली वे में किसके लिए यूज करते हैं, आईडी का यूज करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो वही मैंने बताया है HTML बुक्स विद आईडी एंड लिंक्स, HTML बुक्स का यूज हम लोग आईडी एंड लिंक्स के साथ कैसे करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए उस कोड को मैंने कॉपी कर लिया एंड अपने एडिटर में पेस्ट कर लिया। इस कोड को आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कोड एक बार दिखा दूँ, इस कोड को आप लोग ध्यान से देखकर लिखिएगा ताकि आप लोग को भी अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से टॉपिक आप लोग को समझ में आए, और जो टॉपिक आप लोग को जो इसमें समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे AHREF इक्वल टू #C4 लिखा है, हैश मतलब समझ रहे हैं ना, आईडी का यूज, किसका, आईडी का यूज करेंगे। #C10 मतलब C10 कहने का मतलब C4 मैंने लगाया है, AHREF इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर #C4, इसका मतलब आईडी का यूज हुआ है, और ये लिंक किस पे बनेगा, जंप टू चैप्टर 4 पे क्लिक करेंगे मतलब तो चैप्टर 4 पे चला आएगा, किसके द्वारा, आईडी में जो हम जो एंकर टैग में मैंने जो आईडी का यूज किया हुआ है का मतलब आईडी, और C4 जैसे क्लिक करूँगा तो जंप चैप्टर 4 पे आ जाऊँगा, तो है ना कमाल का। और #C10 मतलब जैसे ही C10 पे मैं क्लिक करूँगा चैप्टर नंबर 10 पे मैं चला आऊँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि H2 में H2 ID इक्वल टू C4 मैंने लगाया है, देखिए यहाँ पे ID के यूज किया है मैंने, हैश के लिए किसका यूज करते हैं, ID, डबल इन्वर्टेड के अंदर जो ID का नाम आपने दिया है उस ID का नाम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 4 पे आप लिंक लगाए हैं तो उसके लिए ID इक्वल टू C4 देना है, और ऊपर आप लोग डिफाइन कर लीजिए और लिंक लगा दीजिए कि AHREF इक्वल टू #, अगर चैप्टर नंबर 5 पे लगाना चाहते हैं तो जनरली #C5 दे दीजिए।
ठीक है, उसी तरह देखिए 10 पे लगा है तो ई एच एफ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर हैश सी 10 लगा है, मतलब ये जैसे क्लिक कीजिएगा तो जम चैप्टर नंबर 10 पे चला जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से करके मैंने चैप्टर बहुत सारे चैप्टर बनाया। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपको बनाना है, मैं आपको दिखा दूँ 12 नंबर चैप्टर पे बनाना है। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसी कोड को आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसी कोड को कॉपी करके इसी लाइन में आप लोग पेस्ट कर दीजिए। मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जैसे मान के चलिए 30 नंबर चैप्टर पे आप लोग लगाना चाहते हैं, जंप करें 30 नंबर पे क्लिक करें तो 30 नंबर चैप्टर पे आ जाए, तो उसके लिए आपको सिंपल 30 लिख देना है, सी 30। अब आपको 30 नंबर चैप्टर ढूंढिएगा, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 13 दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूँ, ये देखिए चैप्टर नंबर 13 दिख रहा है, इसमें सिंपल एस टू में क्या दे दीजिए, आई डी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर आपको लिखना है सी 13, हो गया, कंट्रोल एस कीजिए, सेव कर दीजिए। अब चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, क्या जैसे मैं बताया हूँ ऐसा आया है कि नहीं। तो रन पे क्लिक करूँगा, लॉन्च इन क्रोम कर देंगे, ये देखिए इसका आउटपुट है। जैसे ही मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 4 पे क्लिक करूँ तो चैप्टर नंबर 4 पे चला है, चैप्टर नंबर 5 पे क्लिक करूँ तो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 पे लिंक लगाया है तो चैप्टर नंबर 10 पे क्लिक करूँगा तो चैप्टर नंबर 10 पे चलाऊँगा। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जंप टू चैप्टर नंबर 4 किया, ठीक है, फिर आप बैक जाइए, फिर जंप नंबर चैप्टर नंबर 10, देखिए ये चैप्टर नंबर 10 क्यों आ रहा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो अभी कॉपी किया था उसमें आपने कुछ चेंजिंग नहीं किया था। यहाँ पर 30 नंबर लिख लीजिए, जंप टू चैप्टर 13। अब इसको आप लोग जो ब्राउजर है इसको रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए 13 हो गया। और जंप टू चैप्टर 13 पे जाना चाहते हैं तो सिंपल आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए नहीं जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं, हैश सी 13 मैंने लिखा हुआ है, ये सही है। अब यहाँ पे आ गई है चैप्टर नंबर 13 ये मेरा है, अब इसमें कहीं मिस्टेक मैंने नहीं किया हुआ, आई डी इक्वल टू सी 13, ओ कैपिटल सी है, कैपिटल सी मैंने वहाँ पे स्मॉल सी लिखा था, इसको सिंपल हमको कंट्रोल एस कर लेना है। अब देखिए इसको रिफ्रेश मैं करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड जंप टू चैप्टर नंबर 13, ये देखिए 13 नंबर पे आ गए, देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक आपको मिसमैच कर सकता है, इसलिए जो भी समझिए उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो चलिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। ये देखिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग द आई डी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में आप लोग आई डी एट्रीब्यूट का यूज कैसे करते हैं, चलिए हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए द आई डी एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी यूज बाई जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सम टास्क फॉर दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि द आई डी एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो यूज बाई जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप लोग आईडी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सम टास्क फॉर दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, जो जावास्क्रिप्ट होता है वो कुछ टास्क को परफॉर्म करता है स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ, वो कौन सा कैसे, देखिए जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक आईडी विद द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, यानी कि जो देखिए जो जावा स्क्रिप्ट होता है वो कुछ स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट के साथ एक्सेस करता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन एक मेथड होता है, क्या होता है मेथड, जिसमें आप लोग को आईडी दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, और गेट एलिमेंट बाई आईडी ये सब जावा स्क्रिप्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने जो टॉपिक बनाया है आईडी एट्रीब्यूट के साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट का सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एचटीएमएल का सीरीज पढ़ रहे हैं, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो सीरियल बाय सीरियल मतलब सीरीज बाय सीरीज लाइन बाय लाइन अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सिंपल आप लोग देखिए जावा स्क्रिप्ट में एचटीएमएल एलिमेंट के साथ आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक एक एलिमेंट को एक्सेस करता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोड को लिखा हुआ है, इस कोड को सिंपल मैं कॉपी करता हूँ। देखिए उस कोड को मैंने सिंपल कॉपी किया और अपने एडिटर में इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं इस कोड को सबसे पहले समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे यूजिंग द आई डी एट्रीब्यूट इन जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए इसमें जावा स्क्रिप्ट का हम यूज कहाँ पे किए हैं। देखिए यहाँ पे एच टू में एच वन में आई डी इक्वल टू माई हेडर, ठीक है। माई हेडर ये क्या है, ये मैंने आई डी के यूज किया हुआ है, ठीक है, सिंपल आई डी। अब इसमें देखिए जावा स्क्रिप्ट के यूज मैंने कहाँ पे किया हुआ है, बटन में ऑन क्लिक इक्वल टू डिस्प्ले रिजल्ट, मैंने ऑन क्लिक कर दिया कि आप लोग जैसे बटन पे क्लिक करें तो रिजल्ट मेरा क्या हो, शो हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है। देखिए जावा स्क्रिप्ट का पहचान क्या होता है कि ये हमेशा स्क्रिप्ट के अंदर होता है। देखिए स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जितना भी मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, ये सब क्या है, जावा स्क्रिप्ट, टोटल जावा स्क्रिप्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने लिखा है डिस्प्ले रिजल्ट। इसी पे क्लिक करेंगे तो मेरा कुछ आउटपुट जो होगा वो दिखेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी मेथड आया। और जो मैंने यहाँ पे आई डी का यूज किया था, उस आई डी को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, माई हेडर डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर हैव ए नाइस डे, देख रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा हैव ए नाइस डे। चलिए देखते हैं वैसे आता है कि नहीं। तो कंट्रोल एस करते हैं एंड रन पे क्लिक करके लॉन्च इन क्रोम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ मैसेज लिखा आएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पे मैंने क्या बताया था कि जैसे ऑन क्लिक करूँगा तो कुछ मैसेज आएगा। ये देखिए हैव ए नाइस डे आया, चेंज हो गया। ये देखिए क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बताया था कि ऑन क्लिक पे क्या होगा, कुछ मैसेज आएगा हैव ए नाइस डे। देखिए हैव ए नाइस डे आया। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।